आपकी निशानी है वो नहीं उतार रहे हैं तो फेंक रहे हैं सारी चीजें उठा के, कंगन फेंक रहे हैं, मंगलसूत्र फेंक रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग छोटे बच्चे थोड़ी है, शादी शुदा लोगों का मंगलसूत्र उतारना बहुत बड़ी बात है। निर्देश आया है ऊपर से, निर्देश के बाद आया था कि नकल नहीं लेनी, हम लोग नकल थोड़ी करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में टीईटी परीक्षा में महिला परीक्षार्थियों के साथ चेकिंग के नाम पर कुछ ऐसी बस सलूकी की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद बवाल ही मच गया। परीक्षा शुरू होने से पहले शादीशुदा महिलाओं के गले से सुहाग की निशानी, मंगलसूत्र, कान से बाली और हाथों से कंगन तक उतरवा लिए गए, सिर्फ नकल रोकने के नाम पर। जाहिर सी बात है, इससे परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़क गया। नहीं उतार रहे हैं तो फेंक रहे हैं सारी चीजें उठा के, कंगन फेंक रहे हैं, मंगलसूत्र फेंक रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग छोटे बच्चे थोड़ी है, शादी शुदा लोगों का मंगलसूत्र उतारना बहुत बड़ी बात है। निर्देश आया है ऊपर से, निर्देश के बाद आया था कि नकल नहीं लेनी, हम लोग नकल थोड़ी करेंगे। नकल रोकने के लिए माँ चंद्रिका महिला पीजी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बावजूद इसके नकल रोकने का हवाला देकर महिला परीक्षार्थियों के मंगलसूत्र तक उतरवा लिए गए। कॉलेज के गेट पर ही महिलाओं के साथ धक्का मुक्की तक की गई। बवाल होने पर एसडीएम और सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक तो अलग ही गंगा बहा रहे हैं। नहीं सर, मंगलसूत्र इसमें उतरवाने का कोई प्रावधान नहीं है, कान की बाली उतरवाने का कोई प्रावधान नहीं है, ना कि कील उतरवाने का कोई प्रावधान नहीं। ये पुलिस भर्ती जो परीक्षा थी उसमें उतरवाने का प्रावधान था, इसमें कोई प्रावधान नहीं। जिला विद्यालय निरीक्षक सुरेश प्रताप सिंह तो खबर से ही इनकार कर रहे हैं, मंगलसूत्र, कंगन और बाली उतरवाने के किसी भी आदेश का खंडन कर रहे हैं। तो क्या कैमरा झूठ बोल रहा है? सवाल है कि क्या मंगलसूत्र से भी नकल हो सकती है? नकल रोकने के नाम पर ये कोई पहल नहीं है, बल्कि सरासर महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ है।